हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दो आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा, यानी किसी दो पॉइंट पर स्थित ऊर्जा की वैल्यू क्या होता है और कैसे निकालते हैं, यह आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो यह क्वेश्चन, यह एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दो आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा को निकालने के लिए हम सबसे पहले दो पॉइंट मानते हैं। मान लेते हैं सपोज कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और यहाँ पर भी कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट है और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी पॉइंट है, और यहाँ पर कोई अनंत पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई अनंत है, और इस अनंत पर Q1 चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर Q2 चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा निकालना है। तो यहाँ पर दो आवेश को मानना पड़ेगा इस अनंत पॉइंट पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस Q1 चार्ज को पॉइंट ए पर लाएंगे, किस पर लाएंगे, ए पर। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ पर ए पर लाएंगे, यानी अनंत से पॉइंट ए पर लाएंगे, तो अनंत से पॉइंट ए तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। मान लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस R1 है, और Q2 चार्ज को पॉइंट बी पर लाएंगे। तो इसके लिए यानी Q1 चार्ज को पॉइंट ए पर लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ता है, और इस वर्क के साथ यहाँ पर Q1 चार्ज और पॉइंट ए के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होता है, और Q2 चार्ज को पॉइंट बी पर लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ता है, और वर्क के साथ Q2 चार्ज और पॉइंट बी के बीच कुछ डिस्टेंस भी होता है। मान लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस आपका R2 है, और मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला देते हैं, अब पूछेगा कि पॉइंट ए और बी के इंटरमीडिएट फेज में डिस्टेंस क्या होगा। तो जो स्टूडेंट्स, यहाँ पर R1 है और यहाँ पर R2 है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा R1 2। यहाँ तक तो समझ गए। और यहाँ पर Q1 चार्ज को किस पर ला रहे हैं, पॉइंट ए पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर Q1 लिखेंगे, और Q2 चार्ज को कहाँ पर ला रहे हैं, पॉइंट बी पर लिखेंगे, ला रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे Q2। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना कि Q1 और Q2 दो आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R12 हो तो वह निकाय के निर्माण होगा। यहां पर लिखेंगे माना कि Q1 Q2 दो आवेश है और इन आवेशों के बीच की दूरी इन आवेशों के बीच की दूरी और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर माना हुआ है कि Q1 और Q2 यहाँ पर कितना आवेश है, दो आवेश है, और यानी दो आवेश यानी Q1 और Q2 दोनों आवेशों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R12। तो यहाँ पर लिखेंगे R12 तो निकाय के निर्माण होगा। अब यहां पर तो हम समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर Q1 चार्ज को पॉइंट ए पर लाते हैं, Q1 चार्ज को पॉइंट ए पर लाएंगे तो Q1 चार्ज से कुछ ना कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस है, और पॉइंट ए पर लाते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में अनंत से किसी, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी यहाँ पर आवेश कितना दिया है, दो आवेश दिया है, Q1 दिया है और यहाँ पर एक Q2 दिया है, तो दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो V बराबर यहाँ पर हो जाएगा K और यहाँ पर चार्ज कितना दिया है K Q1, अब बांटा यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया है दोनों चार्ज के बीच में R12, तो यहाँ पर मान लेंगे R12, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर Q2 आवेश को अनंत से किसी बिंदु B पर लाने में और Q1 चार्ज को पॉइंट ए पर लाते हैं, पॉइंट ए के वजह से पॉइंट बी पर एक विभव उत्पन्न होता है, यानी लिखेंगे Q2 आवेश को अनंत से
अनंत से किसी बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य Q2 आवेश को अनंत से किसी बिंदु B पर लाने में V1 विभव के विरोध कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्य Q2 आवेश को अनंत से किसी B पॉइंट पर लाते हैं, तो यहाँ पर V1 कार्य विभव के विरोध में हमको कार्य करना पड़ता है। तो यानी कार्य बराबर हम जानते हैं W बराबर होता है VQ। तो यहाँ पर आवेश कितना, विभव कितना है V1, और यहाँ पर आवेश कितना है Q2। तो यहाँ पर लिखेंगे Q2। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर V1 के वैल्यू कितना है KQ1/R12। तो यहाँ पर V1 के जगह पर लिखेंगे KQ1/R12। यहाँ पर चार्ज कितना है Q2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं Q1 Q2 अब बटा डिस्टेंस कितना है R12, यानी W बराबर आ गया। इसको हम स्थित ऊर्जा को W या U दोनों द्वारा निरूपित करते हैं, तो यानी दो आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा के वैल्यू होता है KQ1/Q2/R12। अब हम जानते हैं कि K के वैल्यू होता है 1/4πε0, और Q1 और Q2 दो आवेश है, और R12 है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। यहाँ पर लिखेंगे Q1 तथा Q2 दो आवेश और इन आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है R12, यानी Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के बीच की दूरी क्या है R12। तो यहाँ पर लिखेंगे R12। अब यहाँ तक बस समझ गए, इसमें कुछ नहीं करना है। Q1 चार्ज और Q2 चार्ज कोई अनंत पॉइंट पे है, और इस अनंत पॉइंट पर A पर लाएंगे Q1 चार्ज को खींचकर, और Q2 चार्ज को पॉइंट B पर लाएंगे। तो Q1 चार्ज को पॉइंट A पर लाएंगे, तो Q1 चार्ज से और पॉइंट ए पर लाते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं सपोज इट R1 डिस्टेंस है, और Q2 चार्ज को पॉइंट बी पर लाएंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर R2 डिस्टेंस है, और पॉइंट ए और बी के बीच में पूछेगा डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पर R12 हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट Q1 चार्ज पर विद्युत विभव का वैल्यू निकाल लेते हैं, Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव। तो हम जानते हैं कि विद्युत विभव भी बराबर होता है KQ1/R होता है, लेकिन आपका आवेश कितना है Q1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q1, और यहाँ पर दूरी के वैल्यू कितना है R12, तो यहाँ पर लिखेंगे R12। तो यहाँ पर V1 बराबर मान लेंगे KQ1/R12, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव, V1 बराबर KQ1/R12 इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड क्या करेंगे, अब Q2 पर विद्युत विभव का वैल्यू निकालेंगे, तो Q2 आवेश को अनंत, यानी Q2 आवेश कहाँ पर रखा हुआ, किसी अनंत पॉइंट पर रखा हुआ है, और Q2 आवेश को किसी अनंत से किसी बिंदु B पर लाने में V1 विभव के विरोध कार्य करना पड़ता है। किसके कार्य करना पड़ता है, V1 विभव के विरोध कार्य करना पड़ता है। तो यानी हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है विभव गुणे आवेश। अब यहाँ पर विभव का वैल्यू क्या है V1 है, तो यहाँ पर V1 लाएंगे रखेंगे, और यहाँ पर किस आवेश को ला रहे हैं अनंत से पॉइंट B पर, Q2 को ला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे Q2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर V1 के जगह पर यहाँ पर V1 का वैल्यू कितना है KQ1/R12 गुणे यहाँ पर क्या है Q2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2। तो इसको हम जानते हैं कि निकाय की स्थित ऊर्जा को हम U या W द्वारा निरूपित करते हैं, बराबर हो जाएगा KQ1/Q2/R12 के इक्वल्स होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे।